बाकी अभी जो है अजमेर शरीफ मार्केट पूरी तरह बंद है, लॉकडाउन चल रहा है यहाँ पर। आप मेरे को बार बार अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करके मैसेज करके जो आप मेरे से बार बार जानकारी ले रहे हैं, इसी के चलते हुए जो है मैं अजमेर शरीफ से मार्केट की कोई भी वीडियो नहीं लेके आ पा रहा हूँ, ना मार्केट से ना मज़ारों से रिलेटेड, क्योंकि अभी किसी तरह से सेफ बाहर निकलना सेफ नहीं है। मगर मैं अभी आपके चलते हुए मैं इसको वीडियो को शेयर कर रहा हूँ बाहर निकल के। क्या हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं अजमेर शरीफ में इस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ है और मैं इस टाइम जो है लंगर खाना गली के अंदर हूँ, दरगाह के ठीक पास में, दो नंबर गेट के पास में। यहाँ से मैं आपको ठेठ घसेटी मार्केट, कमंडसपुरा, सभी मार्केट की यहाँ पर आपको वीडियोस में दिखाने वाला हूँ। तो आप अगर वीडियो पर आ गए तो वीडियो पर बने रहें ताकि मैं आपको अजमेर में किस तरह का लॉकडाउन चल रहा है, किस तरह का यहाँ पर बंद है, मैं सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट कर करके बार बार पूछ रहे हैं कि अजमेर शरीफ खुला है या बंद है। तो आपको मैं अभी दरगाह के बिल्कुल नज़दीक के पास में हूं, जो कि लंगर खाना कर लिए, देखें आप तीन नंबर गेट के पास में। यहां पर टोटली मार्केट बंद पड़ा हुआ है और ये 8 जून तक का यहाँ पर जो है लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि आप बता नहीं रहे अजमेर में किस तरह का चल रहा है। तो आप देख लें अजमेर में पूरी तरह से संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा है, बंद है लॉकडाउन पूरी तरह से। और ये घसेटी मार्केट है, ये कपड़ा मार्केट है यहाँ का अजमेर शरीफ का, जहाँ पर सभी प्रकार के यहाँ पर कपड़े वगैरह का, यहाँ पर रेडीमेड सिला हुआ, कच्चा बिना सिला हुआ, सभी प्रकार के यहाँ पर जोड़े वगैरह, सूट वगैरह यहाँ पर इसी मार्केट में मिलते हैं। और अब मैं आपको लेके चलूँगा कमंडसपुरा मार्केट में, जहाँ पर कमंडसपुरा में, यहाँ कमंडसपुरा, ये देखें आप कमंडसपुरा में भी सभी प्रकार की यहाँ पर फूल वगैरह की दुकानें हैं। और जितने मार्केट में मतलब जिसे कम आने वाली हैं वो सभी इस कमंडसपुरा मार्केट में मिलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक दुकान भी है, अगरबत्ती वगैरह और भी कई आइटम हैं, होलसेलर भी हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादातर। तो इसमें इस मार्केट में होलसेलर की दुकानें जो अभी इस वक्त बंद पड़ी हुई हैं। और ये अजमेर शरीफ की मेन मार्केट है। और अब हम चलेंगे दरगाह बाज़ार मार्केट में, आपको मैं दरगाह की मार्केट भी दिखा देता हूँ किस प्रकार की दरगाह की मार्केट है, किस तरह मार्केट वहाँ पर बंद है। तो ये देख रहे हैं अभी तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये टोटली ही कमंडसपुरा की मार्केट है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। ये देखने का मतलब ये है कि आप बार बार पूछ रहे हैं कि अजमेर शरीफ में किस तरह का लॉकडाउन है, अजमेर शरीफ में मार्केट बंद है या नहीं है, तो इसी वजह से आपके साथ इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए आप चलते हैं हम दरगाह बाज़ार की तरफ। ये देखें आप, ये दरगाह मार्केट है जो कि काफ़ी बड़ी मार्केट यहाँ की है, फेमस मार्केट है, जो कि जितने भी जायरीन आने वाले हैं वो सभी इसी मार्केट से ख़रीदारी करते हैं। और शाम सामने आपको अजमेर शरीफ दरगाह नज़र आ रही होगी, यहाँ पर दरगाह का एक नंबर गेट है आपके सामने नज़र आ रहा है। और ये मार्केट भी पूरी तरह से बंद पड़ी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी यहाँ पर जो है पूरी तरह से संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा है। और ये 8 जून के बाद आगे पता चलेगा कि कहाँ किस तरह आगे का रहेगा हिसाब किताब। बाकी अभी जो है अजमेर शरीफ मार्केट पूरी तरह बंद है, लॉकडाउन चल रहा है यहाँ पर। आप मेरे को बार बार अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करके मैसेज करके जो आप मेरे से बार बार जानकारी ले रहे हैं, इसी के चलते हुए जो है मैं अजमेर शरीफ से मार्केट की कोई भी वीडियो नहीं लेके आ पा रहा हूँ, ना मार्केट से ना मज़ारों से रिलेटेड, क्योंकि अभी किसी तरह से सेफ बाहर निकलना सेफ नहीं है। मगर मैं अभी आपके चलते हुए मैं इसको वीडियो को शेयर कर रहा हूँ बाहर निकल के, कि आपको जानकारी दे सकूँ ताकि आपको लगे कि नहीं अजमेर शरीफ में किस तरह का अभी मार्केट बंद है और अजमेर शरीफ में किस तरह लॉकडाउन चल रहा है। इसी के चलते हुए मैं आपके साथ इस वीडियो को लेकर आया था। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो ताकि अजमेर शरीफ की जानकारी सभी को मिल सके जो आने वाले हैं और जो देखना चाहते हैं अजमेर शरीफ का, कि मतलब अभी अजमेर शरीफ में क्या चल रहा है, वो सब यहाँ से घर बैठे देख सकें। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत।